हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ नोट्स के बारे में कि कैसे आप 500 रुपए का या 1000 का नोट चेंज करा सकते हैं बैंक में जाके, या फिर एटीएम से जब आप विड्रॉ करेंगे तो किस तरह का नोट आपको मिलने वाला है कल से। तो आज है 10 नवंबर और आज बैंक खुल चुके हैं और फिलहाल अभी सीन ये है कि सारे बैंकों के बाहर लाइन लगी पड़ी है बहुत सारे लोगों की, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर पीपल हैं, जिनको बेसिकली ऐसे में पैसा चाहिए ताकि वो रोज का खर्चा चला सकें, क्योंकि 500 और 1000 का नोट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं और उसका क्या सॉल्यूशन फिलहाल सरकार ने निकाला है। तो सॉल्यूशन तो सिर्फ ये है कि आप जाके नोट चेंज कराइए, 500 और 1000 के नोट दीजिए, आपको 100-100 के नोट मिल जाएंगे, या फिर 500 और 1000 के नोट दीजिए, आपको 2000 का नोट भी जो है मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। इन नोट्स को चेंज कराने के लिए आप किसी भी बैंक में कभी भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। 8 बजे से 8 बजे तक बैंक खोलेंगे आज और कल, यानी कि 2 दिन की बैंक की टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। और फिलहाल बैंकों में लाइन लगी पड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं अपने 500 और 1000 के नोट। तो अगर आपको वो चेंज कराने हैं तो आपको एक अलग लाइन में लगना होगा, और अगर आपको वो डिपॉजिट कराने हैं तो आपको एक अलग लाइन में लगना होगा। तो ऐसे में अगर आपको वो चेंज कराने हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं बता देता हूँ। चेंज कराने के लिए आपको कोई भी फोटो आईडी, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, जो कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, ये सारे आईडी कार्ड्स जो है आप इनमें से किसी का भी एक का फोटो स्टेट ले जाइए, उस पर आपको साइन करके देना होगा और आईडी कार्ड का जो नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। ऐसे में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप वोटर आईडी को यूज कीजिए और वोटर आईडी कार्ड का जो आपका नंबर है उसको आप उसमें भर दीजिए। अब बात यहाँ पे यह है कि आप एक आईडी कार्ड से कितने पैसे एक दिन में चेंज करा सकते हैं। खूब सारे पैसे चेंज करा सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बार में 4000 की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप अपना आईडी लेके गए तो एक आईडी पे आपके 500 और 1000 के नोट अगर 100 में कन्वर्ट हो रहे हैं या 2000 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो एक बार में 4000 के अमाउंट में कन्वर्ट होंगे। इसी के साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि घर के अपने जितने भी लोग हैं उन सबका आईडी उनका फोटो स्टेट लेके गए हैं और उनका साइन वगैरह करवा के लेके गए हैं, और उसके बाद वो एक ही बंदा जो है वो 5-5 आईडी के थ्रू 4000 के ग्रुप में 20000 रुपए तक चेंज करवा रहा है। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं बहुत से बैंक में, तो वो भी चीज पॉसिबल है। इसके अलावा आप मल्टीपल टाइम जा सकते हैं, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक आईडी से 4000 रुपए ले लिए, अगर चेंज करा लिए तो आप दोबारा नहीं जा सकते, तो आप दोबारा फिर जा सकते हैं, उसी बैंक में भी दोबारा जा सकते हैं या फिर किसी और बैंक में दोबारा जा सकते हैं, और इस तरह से उसी आईडी पे जितने मर्जी पैसे जो है आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो आईडी नंबर है वो एक कोई डिजिटली तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सारे बैंक जो हैं आपके आईडी का फोटो स्टेट ले रहे हैं और आपके पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, उस पर आईडी नंबर भर देना है। तो ऐसे में इसको डिजिटली ट्रैक नहीं किया जा रहा है कि एक आईडी पे कितने ज्यादा पैसे जो है इशू हो रहे हैं। अब बाद में अगर आप देखें तो इस तरह से जो आईडी कलेक्ट कर रहे हैं बैंक लोग, वो सारा आईडी का एक बहुत बड़ा एक पैकेट बन जाएगा। अब इतने सारे पेपर्स में से आईडी नंबर को नोट करके उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। तो ऐसे में आप एक ही आईडी से मल्टीपल टाइम जाके, एक ही बैंक से या फिर अलग अलग बैंक पे जाके आप पैसे जो हैं ले सकते हैं, और ऐसे में आपको कोई दिक्कत फिलहाल होने नहीं वाली है। तो इसमें आप जितना मर्जी पैसा कन्वर्ट करना कराना चाहें आप करा सकते हैं। ये समझ लीजिए एक तरह का लूप होल है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये सब चीज़ लोग कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा भी कर रहे हैं लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे में वो लोग और लोगों को यूज़ कर रहे हैं और लोगों को यूज़ करके वो अपना जो है भेज रहे हैं और उनके आईडी के बेसिस पे वो पैसे जो है कन्वर्ट करा रहे हैं। अब बात यह है कि अभी 4000 की लिमिट है, बाद में ये बढ़ा दी जाएगी। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो डेबिट कार्ड पे अगर आप कहीं भी जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप जितनी शॉपिंग आप पहले कर पाते तो उससे ज़्यादा डबल कर पाएंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स के लिए अलग अलग बैंक्स ने ये किया है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है और क्रेडिट लिमिट 20% से एक्स्ट्रा हो गई है, ऐसा बैंक के थ्रू पता चला है। बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिन पे ऐसा हुआ है और कुछ पे नहीं भी हुआ है। इसके अलावा जो बैंक ने अपनी तरफ से जो चीज़ें की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई भी बैंक जो है 8 बजे से 8 बजे तक खुला हुआ है आज और कल।
एटीएम की जो विड्रॉल लिमिट रहेगी अभी से लेकर 18 नवंबर यानी कि कल से जब एटीएम खोलेंगे 11 तारीख से लेकर 18 नवंबर तक जो एटीएम विड्रॉल लिमिट रहेगी वो रहेगी 2000 रुपये। आप ट्राई कर सकते हैं कि एक ही डेबिट कार्ड से आप अलग अलग एटीएम पे जाइए और शायद आप 2000 से ज्यादा पैसे जो है निकाल पाए। इसके अलावा 4000 लिमिट हो जाएगी डेली विड्रॉल की और वो विड्रॉल लिमिट जो है वो 19 तारीख से लागू होगी। तो 19 तारीख से जो 4000 विड्रॉल लिमिट है वो भी इसी तरह से रहेगी कि एक कार्ड पे आप एक दिन में 4000 विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से, और वो शायद कोई भी एटीएम मशीन हो सकती है या फिर आपके बैंक की एटीएम मशीन हो सकती है। अब इसके अलावा अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप बैंक में जाके सेल्फ का चेक देके, यानी कि अगर आपका खुद का अकाउंट उस बैंक में है तो आप जाइए और अपना सेल्फ का चेक दे दीजिए। अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में है, HDFC बैंक में है, तो आप सेल्फ का चेक जो है किसी भी ICICI की ब्रांच में दे सकते हैं और सेल्फ का चेक देके आप 10,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी वीकली विड्रॉल लिमिट जो है इस तरह से 20,000 रखी गई है। तो एक बार में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे जिससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं। वो आपको 2,000 रुपये के फॉर्म में मिल सकता है या फिर 100-100 के रुपए में मिल सकता है। अब बात करते हैं कि नया 2000 का नोट दिखता कैसे है। तो ये है नया 2000 का नोट, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। ये बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, हम लोग भी कुछ पैसे चेंज कराए हैं तो मेरे पास भी ये आ गया है। और ये 2000 का जो नोट है इसमें कोई चिप नहीं है। पहली बात तो जो लोग सोच रहे थे कि चिप है, ये एक मंगलयान की फोटो है जो हमारे देश का एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट है और बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पे है। लेकिन ये कोई चिप नहीं है, किसी भी तरीके से इस नोट को ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती, कोई भी चीज इसके बारे में ट्रैक नहीं की जा सकती कि आपने किसको दिया, कहाँ रखा, कुछ पता किसी को नहीं चलने वाला। इसके अलावा इस नोट में नए नए बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में यहाँ पे बदलाव है, ये थोड़ी उभरी हुई प्रिंटिंग है। इसके अलावा और चीजें जो यहाँ पे हैं, ये फॉन्ट देख रहे हैं आप, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नोट का जो नंबर है इसमें जो ये नंबर का फॉन्ट है, इस फॉन्ट के अंदर एक एक साइज का फर्क है और फॉन्ट के अंदर जो नंबर है उसकी विड्थ का भी फर्क है, तो वो भी आपको फर्क देखेगा। बहुत सारे बदलाव किए हैं इन्होंने ताकि ये नोट जो है नकली ना बनाया जा सके। हालांकि देखते हैं, हर चीज का तोड़ तो निकाल ही लेते हैं चोर लोग, तो वो सब चीजें पता चलेंगी हमें समय के बाद। थ्रेड रहता है यहाँ पे, वो तो है ही यहाँ पे, जिसमें RBI लिखा होता है, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन ये पिंकिश नोट है तो पिंक कलर का नोट इन्होंने बनाया है। जैसा भी है, चलिए अब जैसा भी है यही है और इसी को आपने यूज करना है और थोड़े समय में आप यूज्ड हो जाएंगे। 1000 का भी नया नोट आने वाला है, जैसे कि हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस कर दिया है कि 1000 का नया नोट आएगा। 500 का तो नया नोट आपको कल से ATM पे मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बैंकों से आपको मिलेगा 2000 का नोट, 500 का नोट नहीं मिलेगा कहीं से भी आपको, और इस तरह का ये दिखता है। तो नोट में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। गांधी जी की फोटो अभी भी है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है, और पीछे की तरफ मंगलयान की फोटो है और यहाँ पे स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। इसको देख के आप हमेशा ध्यान कर सकते हैं कि आपने कूड़ा नहीं फैलाना है और ध्यान रखना है अपने देश का, तो ये सब अच्छी बातें हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी बैंक के अंदर नोट चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन का जो नंबर है वो RBI का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आप टेलीफोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। ये मुंबई का नंबर है, 022 कोड लगाना पड़ेगा आपको, इसके बाद है 2260-2201। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 2260-2201, और इसके आगे 022 आपको कोड लगाना पड़ेगा, मुंबई का नंबर है। तो अगर आपको कहीं किसी बैंक में मना कर दिया जाता है कि भाई हम आपके 500-1000 के नोट नहीं लेंगे या चेंज नहीं करेंगे या कोई और प्रॉब्लम आपको आती है वहाँ पे कैश डिपॉजिट करने में या कोई और दिक्कत आपको होती है, क्योंकि बहुत भीड़ लगी हुई है और कहीं कहीं पर लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो ऐसे में आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी शॉपकीपर के खिलाफ, किसी भी बैंक के खिलाफ, इस नंबर पर फ़ोन करके। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो का मेन टारगेट यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप कैसे अपने 500-1000 के नोट जो है चेंज करा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल जो बैंकों के पास लाइनें लगी हुई हैं उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ब्लैक मनी वाला बंदा हो। ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है उन्होंने पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया है, चाहे जला के, चाहे इधर उधर फेंक के, कचरे के डब्बे के पास रख के, ये सब चीज़ें हुई हैं, या फिर हाईवे पे फाड़ के फेंकना, ये सब चीज़ें भी हुई हैं। और यूपी में तो उत्तर प्रदेश में नोटों का पूरा बोरा जो है जला दिया गया है, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। तो ऐसे में कोई भी ब्लैक मनी बैंक में नहीं जा रहा है। जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर अपर क्लास लोग भी हैं, जो जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा करना है, वही कैश जो है बैंक के अंदर जा रहा है, ब्लैक मनी नहीं जा रहा है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक में, जैसे आज मैं कुछ पैसे जमा करा के आया जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ था और वो मैंने अपने अकाउंट में जमा करा दिया, तो वहां पे मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो कि बहुत सारा अमाउंट अपने बैंक में जमा करने के लिए आया हो। हालांकि लिमिट 2.5 लाख की है, 2.5 लाख से ऊपर अगर आप जमा करेंगे तो इनकम टैक्स में नोटिस जा सकता है। तो ऐसे में आप इंटरनल लिमिट को समझिए और 2 लाख से कम ही पैसा जमा कराइए। 2 लाख से कम पैसा जमा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे में कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखा मेरे को वहां पे जो एक्चुअली में 2 लाख भी जमा कराने आया हो। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ब्लैक मनी नहीं जा रही है बैंक के अंदर, लेकिन फिर भी ये कदम जो है बहुत अच्छा कदम है और डेफिनेटली समय के साथ इससे काफी चीजें जो है इम्प्रूव होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।